मध्य प्रदेश की सियासत में आजकल अजब गजब कारनामे हो रहे हैं। अब इस पोस्टर को ही देखिए। पोस्टर में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर लगी है। ये पोस्टर लगाया गया है भिंड में। पोस्टर के नीचे बीजेपी नेता ने अपना नाम भी लिखवाया है और धारा 370 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की खबरें चर्चा में हैं। इस पोस्टर के लगने से कांग्रेस नाराज है और इसे घटिया राजनीति बता रही है। केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। आज देश को किस कगार पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। कभी शमशान की बात करती है जब चुनाव आते हैं, तो कभी कब्रिस्तान की बात करती है, और चुनाव आते हैं तभी ये इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो मैं समझती हूँ बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बहुत गंदी सोच है और ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठ के कुछ अच्छे काम करने चाहिए जिसके वजह से वो जनता के बीच जाके वोट मांग सके, बजाय इस तरह की घिनौनी राजनीति करने की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे, लेकिन अनुभवी कमलनाथ ने सभी समीकरणों को साधते हुए मुख्यमंत्री बनने में कामयाबी पाई थी। उस समय सिंधिया के समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी भी जताई थी, जिसमें कुछ विधायक भी शामिल थे। वहीं मुख्यमंत्री होते हुए भी कमलनाथ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी नहीं छोड़ी है। सूत्रों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़र अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है और इसको लेकर अंदर ही अंदर खींचतान और बयानबाजी भी हो रही है। कई मौकों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार से नाराजगी जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।